केंद्रीय सरकार पंजाब नाल किड़ा कढ़न लगी है। पिछले साल इतों मूवमेंट नहीं हुई अनाज की, 132 लाख टन अनाज पिछले साल का हाले तक गोदाम च पिया है। और उस तो पिछले साल केंद्र सरकार ने 111 लाख टन राइस जिहड़ा सी एक्सपोर्ट किया सी जदों सरप्लस सी। जे इस बार ही सरप्लस सी तो क्यों नहीं सरकार ने एक्सपोर्ट किया जी, जबकि दुनिया भर च इहदी डिमांड है। हुण एक्सपोर्ट जो खोली है ये पिछले साल बंद क्यों की? ये सिर्फ पंजाब नूं सबक सिखाउण लई। मैं वार्निंग दिंदा मोदी सरकार नूं भी समझ लो, जे पंजाब दे लोकां ने ध्यान लिया ना भी असीं तां बर्बाद होना है, असीं इस देश दा देश नूं भी सज़ा देनी है, तां फिर असीं जे अन्न संकट खड़ा करता ये उही है जिन्हों तुसीं देश दा अन्न भंडार कहने हो, ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया कहने हो पंजाब नूं। ये ग्रेन बाउल जे इहदे विच बाउल च रहा कख ना, बाउल खाली हो गई तां इत्थे दे जिहड़े 81 करोड़ आटा दाल वाले ने उह तुहानूं पाड़ के खा जाणगे। लोगों ने अनाज मंगना है तुहाडे कोल होना नहीं, इनफ्लेशन हाई होएगी तो तुसीं कंट्रोल नहीं कर सकना। इस बारी 10 लाख टन पिछले साल की कणक जिहड़ी है सेंट्रल पूल च घट है, उहदा नतीजा देख लो अज 3,250 रुपये कणक दिल्ली बिकती है, 1,000 रुपया उहदे विच पै गया, हाले ने 3,500 ते जाणा है। जे यही हाल रहा असीं 125-30 लाख टन जिहड़ा राइस है जे असीं अगली बारी फसल ना बीजी ना तुसीं कितों पूरा नहीं कर सकते। देश की आबादी जिहड़ी आ 140 करोड़ दे नेड़े पहुँच गई, 140 क्रॉस कर गई, उन्हां लोकां नूं खाण लई अन्न नहीं मिलना। बाकी मैं पंजाबियों नूं अपील करनी है, उन्हां तों माफ़ी मंगनी है, उन्हां नूं कष्ट हो रहा है ये, क्योंकि टोटल पंजाब की इकोनमी का सवाल है। इहदे लई जे किसानां दी फसल बिकेगी तां बाजार चलेगा, जे किसानां दी फसल नहीं बिकदी तां बाजार भी कौं पैणगे। तो असी सारे एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं, पंजाब का बाजार भी बचाउणा है, पंजाब की इंडस्ट्री भी बचाउणी है। ये सानू कोई शौक नहीं इदां दे जाम लाउण दा, मजबूरी है। केंद्रीय सरकार पंजाब नाल किड़ा कढ़न लगी है, पिछले साल इतों मूवमेंट नहीं हुई अनाज की, 132 लाख टन अनाज पिछले साल का हाले तक गोदामों च पिया है। और उस तो पिछले साल केंद्र सरकार ने 111 लाख टन राइस जिहड़ा सी एक्सपोर्ट किया सी जदों सरप्लस सी। जे इस बार ही सरप्लस सी तां क्यों नहीं सरकार ने एक्सपोर्ट किया जी, जबकि दुनिया भर च इहदी डिमांड है। हुण एक्सपोर्ट जो खोली है ये पिछले साल बंद क्यों की? ये सिर्फ पंजाब नूं सबक सिखाउण लई। मैं वार्निंग दिंदा मोदी सरकार नूं भी समझ लो, जे पंजाब दे लोकां ने ध्यान लिया ना भी असीं तां बर्बाद होना है, असीं इस देश दा देश नूं भी सज़ा देनी है, तां फिर असीं जे अन्न संकट खड़ा करता ये उही है जिन्हों तुसीं देश दा अन्न भंडार कहने हो, ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया कहने हो पंजाब नूं। ये ग्रेन बाउल जे इहदे विच बाउल च रहा कख ना, बाउल खाली हो गई तां इत्थे दे जिहड़े 81 करोड़ आटा दाल वाले ने उह तुहानूं पाड़ के खा जाणगे। लोगों ने अनाज मंगना है तुहाडे कोल होना नहीं, इनफ्लेशन हाई होएगी ते तुसीं कंट्रोल नहीं कर सकना। इस बारी 10 लाख टन पिछले साल की कणक जिहड़ी है सेंट्रल पूल च घट है, उहदा नतीजा देख लो अज 3,250 रुपये कणक दिल्ली बिकती है, 1,000 रुपया उहदे विच पै गया, हाले ने 3,500 ते जाणा है। जे यही हाल रहा असीं 125-30 लाख टन जिहड़ा राइस है जे असीं अगली बारी फसल ना बीजी ना तुसीं कितों पूरा नहीं कर सकते। देश की आबादी जिहड़ी आ 140 करोड़ दे नेड़े पहुँच गई, 140 क्रॉस कर गई, उन्हां लोकां नूं खाण लई अन्न नहीं मिलना। बाकी मैं पंजाबियों नूं अपील करनी है, उन्हां तों माफ़ी मंगनी है, उन्हां नूं कष्ट हो रहा है ये, क्योंकि टोटल पंजाब की इकोनमी का सवाल है। इहदे लई जे किसानां दी फसल बिकेगी तां बाजार चलेगा, जे किसानां दी फसल नहीं बिकदी तां बाजार भी कौं पैणगे। तो असी सारे एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं, पंजाब का बाजार भी बचाउणा है, पंजाब की इंडस्ट्री भी बचाउणी है। ये सानू कोई शौक नहीं इदां दे जाम लाउण दा, मजबूरी।